मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस चुनावी सभा में हमारे साथ सिकरई में मंच पर उपस्थित, राज्यसभा में मेरे वरिष्ठ साथी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी सम्माननीय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना जी, हमारे यहाँ के बहुत ही होनहार प्रत्याशी श्रीमान विक्रम बंशीवाल जी, हमारे जिला के अध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा जी, हमारे रामकिशोर मीना जी पूर्व में कैबिनेट मंत्री, श्री नंदलाल जी पूर्व विधायक, श्रीमती गीता वर्मा जी पूर्व विधायक, मंच पर विराजमान वरिष्ठ हमारे साथी मित्र और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी मित्रों, आज मैं विक्रम जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जो मैं उत्साह देख रहा हूं नौजवानों में, जो मैं उत्साह महिलाओं में देख रहा हूं और हमारे मीडिया के साथियों में देख रहा हूं, और मैं विशेष करके यहां की जनता में देख रहा हूं, वह मुझे आश्वस्त कर रही है कि आपने विक्रम जी को, बंशीवाल जी को जयपुर भेजना तय कर लिया है, निश्चित कर लिया है, यह स्पष्ट दिखता है। लेकिन मित्रों, विक्रम को भेजना अकेले ये हमारा सिर्फ मकसद नहीं है। विक्रम के माध्यम से सिकरई की जनता की अगले 5 सालों में तकदीर बदले, तस्वीर बदले और विकास की ओर चले, ये हमारा मकसद है। और इस मकसद को पूरा करने के लिए जहां कमल खिलाना सिकरई में जरूरी है, वहीं दौसा की पांचों सीटों में कमल खिलाना यह भी जरूरी है, ये हमको याद रखना। मित्रों, मैं आपके सामने एक बात बताना चाहता हूं। अभी किरोड़ी लाल जी चर्चा कर रहे थे अशोक गहलोत की सरकार की। मेरा मानना है कि जहां कांग्रेस पार्टी रहेगी वहां भ्रष्टाचार होगा, जहां कांग्रेस पार्टी होगी वहां आपके विश्वास पर डाका डाला जाएगा, जहां कांग्रेस पार्टी होगी वहां महिलाओं का ऊपर अत्याचार होगा, जहां कांग्रेस पार्टी होगी वहां व्यभिचार होगा, जहां कांग्रेस पार्टी होगी वहां लूट होगा, जहां कांग्रेस पार्टी होगी वहां घपला घोटाला होगा। ये कांग्रेस पार्टी का दूसरा नाम है, इस बात को हमको समझ लेना है। और जहां कमल खिलेगा, जहां भारतीय जनता पार्टी आएगी वहां विकास होगा, तरक्की होगी, लोगों की सरकार होगी और किसानों के साथ न्याय होगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, युवाओं को ताकत मिलेगी, किसान खड़ा होगा, ये आपको मान लेना चाहिए। और इसीलिए मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, भैया किरोड़ी लाल जी मेरे साथ राज्यसभा में रहते हैं, मैं भी उनको जिंदाबाद करता हूं। अब जरा आप शांति से मेरी बात 2 मिनट सुन लोगे 2 मिनट। तो मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी जहां भी रहती है वहां भ्रष्टाचार होता है। आज राजस्थान की सरकार किन बातों के लिए जानी जाती है? पहली बात,
कि राजस्थान की सरकार महिला उत्पीड़न के लिए जानी जाती है, महिलाओं के साथ अन्याय के लिए जानी जाती है और महिलाओं पर अत्याचार के लिए जानी जाती है। आज राजस्थान की सरकार किस बात के लिए जानी जाती है? राजस्थान की सरकार, गहलोत की सरकार इस बात के लिए जानी जाती है कि इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया, छल किया और इनका नुकसान पहुंचाया। आज राजस्थान की सरकार किस लिए जानी जाती है? यह जानी जाती है जो राजस्थान शांत प्रिय राजस्थान था, आज वहां तन से जुदा ये विषय, सर तन से जुदा ये नारे लग रहे हैं। आप बताइए राजस्थान में ये नारे लगे कि नहीं लगे? लगे कि नहीं लगे? आप बताइए राजस्थान में हमारी यात्राओं को रोका गया, त्योहारों को रोका गया कि नहीं रोका गया? आप बताइए हमारे मंदिरों पर बुलडोजर चला कि नहीं चला? आप बताइए हमारे त्योहारों में निकलने वाली जो यात्रा होती है उसको रोका गया कि नहीं रोका गया? मित्रों आप बताइए हर साल तीन तीन चार चार पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? तो राजस्थान आज इन बातों के लिए जाना जाता है, भ्रष्टाचार के लिए, अनाचार के लिए, लूट के लिए, महिला उत्पीड़न के लिए। अभी किरोड़ी लाल जी बता रहे थे कौन कौन से किस्से सुनाएं आपको, किस महिला के साथ क्या क्या किया। हमारे को मालूम है प्रतापगढ़ में किस्सा घटा, भीलवाड़ा में किस्सा घटा, बाड़मेर में किस्सा घटा, चूरू में किस्सा घटा, अलवर में किस्से हुए, हर जगह महिला उत्पीड़न। आज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में रेप में, बलात्कार में राजस्थान नंबर एक पर खड़ा है, नंबर एक पर खड़ा है। ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? आपको मालूम है एक कांग्रेस पार्टी के एमएलए मिनिस्टर का पति भी रेप और मर्डर केस में फंसा है और वो छुट्टा घूम रहा है, ऐसे लोगों को बाहर रहने देना क्या? 25 तारीख को विक्रम को जिता के भेजना, पांचों की पांचों सीटें ला करके भेजना, हम इन लोगों को जेल के पीछे डालेंगे, ये हम आपको वायदा करते हैं। मित्रों आपको जानकर के आश्चर्य होगा और पत्रकार बंधुओं को भी जानकर के आश्चर्य होगा कि 54 महीने में राजस्थान में 10 लाख केसेस हुए हैं, 10 लाख पर्चे कटे हैं। और घोटाले की बात करें, वृद्धावस्था पेंशन यानी बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा, अशोक गहलोत के रिश्तेदारों ने राजस्थान सरकार से 11,000 करोड़ रुपए का ठेका लिया, 11,000 करोड़ रुपए का ठेका। बोलो ये बेईमानों की सरकार है कि नहीं है? बोलो बेईमानों की सरकार है कि नहीं है? ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकोगे ना? अशोक गहलोत के भाई ने फर्टिलाइजर पर, खाद पर, सब्सिडी वाले खाद को एक्सपोर्ट कर दिया, ये भ्रष्टाचार किया। और बोलते हैं कि हमारे पीछे ईडी लगा दी है। अरे भाई अगर चोरी करोगे, अगर भ्रष्टाचार करोगे तो ईडी नहीं लगेगी तो और कौन लगेगा? पुलिस नहीं लगेगी तो और कौन लगेगा? तुम्हारे भाई ने सब्सिडी का फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट कर दिया उसको, ये भ्रष्टाचार, इस तरीके के भ्रष्टाचार। बताओ जल जीवन मिशन में जेब भरो मिशन बना कि नहीं बना? 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? अगर 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है तो ऐसी सरकार को रहने देने का अधिकार होगा क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना में 9,22,000 मकान जो मोदी जी ने पैसा दिया था वो आप तक नहीं लगने दिया इस अशोक गहलोत की सरकार ने। यह गरीबों के विरोधी सरकार है। बोलो ऐसी सरकार को रहने दोगे क्या? अब आपने विक्रम को जिता के भेजना, पांचों सीटें जिताना, राजस्थान में हमारी सरकार बनाना, 14 लाख से ज्यादा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में बनेंगे, इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। उसी तरीके से जैसा मैंने कहा, इन्होंने आजकल नई राजनीति, अब ये भगवान राम का सहारा लेने लगे। जो कांग्रेस पार्टी कहती थी कि राम काल्पनिक है, कोर्ट में कहा कि राम काल्पनिक है, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ राम
जो पात्र है वो काल्पनिक है, उसका वैज्ञानिक आधार नहीं है, उसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। और आजकल राम का नाम लेकर के ये चर्चा कर रहे हैं। ये अलग बात है कि अभी भी इनका ज्ञान इतना सीमित है कि इनको मालूम नहीं कि राम को वनवास 14 वर्ष के लिए हुआ था। यह 13 वर्ष के लिए हुआ था, यह भी इनको ज्ञान नहीं है। ऐसे लोग जो चुनाव के लिए धर्म का उपयोग करके अपने लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों को आप जीतने दोगे क्या? जीतने दोगे क्या? मित्रों, इसीलिए मैं आपको बताने आया हूं, इनके घड़ियाली आंसू और हैं। सर तन से जुदा हो, ये नारे राजस्थान में लगे। हमारे मंदिरों पर बुलडोजर चले, ये काम राजस्थान में हो। राजस्थान में शोभा यात्रा पर को प्रतिबंधित किया जाए और शोभा यात्रा निकले तो उस पर लाठी चार्ज हो। त्योहारों के दिन छुट्टी ना दी जाए, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार को रहने देना है? मित्रों, एक बात और बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है जो मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, हमारे आदिवासी भाई, हमारे किसान, हमारे युवा, हमारी महिलाओं, इनका सशक्तिकरण करने का काम पकड़ा है, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने पकड़ा है, ये हमको समझ लेना चाहिए। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देश तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब आपसे मेरा एक ही निवेदन है, मोदी जी पैसा भेजते हैं और यहां गहलोत घपला कर देते हैं। आप बोलो, गहलोत को यहां से हटाओ और मोदी जी का विकास का काम राजस्थान में सीधे पहुंचाओ, डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, डबल इंजन की सरकार बनाओ, यह मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। प्रधानमंत्री जी ने तो आपके लिए बहुत कुछ दिया, भारत माला में 44,000 करोड़ रुपए की लागत से 2,400 किलोमीटर की सड़क बनाई। उसी तरीके से पिछले 5 साल में 11,000 किलोमीटर गांव की सड़क बनवाई। उसी तरीके से रेल का बजट यहां पर 14 गुना बढ़ा दिया गया। उसी तरीके से दौसा का रेलवे स्टेशन जो बन रहा है अमृत, उसमें वो अमृत काल के में जो बन रहा है, ये रेलवे स्टेशन अब एयरपोर्ट से कम नहीं होगा, वैसा रेलवे स्टेशन दौसा का बन करके आएगा। और उसी तरीके से जैसा मैं कहता हूं, वंदे भारत ट्रेन दिल्ली अजमेर, उदयपुर से लेकर जयपुर, जोधपुर से लेकर के साबरमती, ये सारे काम आज राजस्थान में भारत सरकार करा रही है। नया एयरपोर्ट कोटा में बन रहा है। और उसी तरीके से 23 मेडिकल कॉलेज मोदी जी ने राजस्थान को दिए हैं और दौसा को भी एक नया मेडिकल कॉलेज दिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए मित्रों, जब मैं विकास की बात कहूं, इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें, उनको आगे लाएं, यही मेरा आपसे निवेदन है। लेकिन इससे ज्यादा निवेदन यह भी है कि आप याद रखो, आज मैंने अगले 5 साल की संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का, आज मैंने उसको लोकार्पण किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में साल में 6,000 रुपए मिलते हैं, अब आप हमारी सरकार बनाएंगे, साल में किसान सम्मान निधि में 12,000 रुपए मिलेंगे, ये भी आपको ध्यान में। उसी तरीके से हमारे गेहूं की खरीदी के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ साथ, न्यूनतम मूल्य के साथ साथ 2,700 रुपए प्रति क्विंटल की अदायगी की जाएगी, ये भी आप याद रखिए। उसी तरीके से हमारी बच्चियों के लिए, मैं माताएं बैठी हूं, उनको बताना चाहता हूं, जो बच्ची अब राजस्थान में पैदा होगी उसके साथ उसी समय 2,00,000 रुपए का बॉन्ड उसके नाम पर कर दिया जाएगा और उसको दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ जैसे जैसे वो बच्ची बड़ी होगी,
छठी क्लास में 6,000 रुपए देंगे, सातवीं क्लास में, आठवीं क्लास में उसको 10,000 देंगे, बारहवीं क्लास में 12,000 देंगे, जब वो ऊंची शिक्षा के लिए जाएगी तो 50,000 देंगे, और जब 21 साल की हो जाएगी तो 1,00,000 रुपए उसके खाते में डाला जाएगा। उसी तरीके से पढ़ने वाली बच्चियों को, 12 पढ़ने पर मेरिटोरियस स्टूडेंट को एक एक स्कूटी दी जाएगी, यह भी हम लोगों ने तय किया है। और इसके साथ साथ 450 रुपए एलपीजी के सिलेंडर पर उसकी सब्सिडी भारत सरकार, राजस्थान की सरकार देगी बहनों को सिलेंडर खरीदने के लिए। और हमारे गरीब बच्चों के लिए साल का 1,200 रुपए उनको अच्छी शिक्षा के लिए, किताब खरीदने के लिए, यूनिफॉर्म खरीदने के लिए, बक्सा खरीदने के लिए इसकी व्यवस्था की जाएगी। और इसी के साथ साथ जिन लोगों ने 5 साल में घोटाला किया, घपला किया, स्कैम किया, जल जीवन मिशन में पैसा खाया, हर एक घोटाले में पैसा खाया, पेपर लीक में पैसा खाया, ऐसे लोगों पर एसआईटी बैठाई जाएगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, और जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और जेल के पीछे डाला जाएगा, इस तरीके का कार्यक्रम। इसलिए मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे सिर्फ एक निवेदन करने के लिए आया हूं, ये भ्रष्टाचारी सरकार, ये अनाचारी सरकार, ये घर भरने वाली सरकार, ये युवाओं से धोखा देने वाली सरकार, ये पेपर लीक कराने वाली सरकार, ये महिलाओं का उत्पीड़न करने वाली सरकार, ये रक्षक से भक्षक बनने वाली सरकार, ये सरकार जो दो धर्मों के बीच में लड़ाई लगाती हो, जो शांति को भंग करती हो, जो इसमें अपना और पराया करती हो, ऐसी सरकार को 25 तारीख को घर बैठा देना और भारतीय जनता पार्टी को अगले 5 साल के लिए काम करने के लिए उनको प्रेरित करना, और विक्रम बंसीवाल को जयपुर भेजने के लिए पूरा मन बनाओ, यही मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। बोलिए, आपने मन बना लिया है? मन बना लिया है? बहने बताएं, मन बना लिया है? पीछे से आवाज आनी चाहिए, मन बना लिया है? पांचों की पांचों सीटें जिताएंगे, विक्रम जी को विधानसभा में पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष।